सबूत के साथ अच्छा बता देंगे, दो सौ बोल देंगे यहाँ मुकाबले में। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार के द्वारा राजस्तरीय अंडर 14 बालक फुटबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी मुजफ्फरपुर को सौंपी गई है, जो यह प्रतियोगिता 4 मार्च से प्रारंभ होकर 8 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में कुल 39 टीमें भाग लेगी, जैसा कि 38 जिला की टीम है और एक एकलव्य प्रशिक्षण केंद्र जो बिहार सरकार की एक खेल की एक बेहतरीन संस्था है, उस संस्था की एक टीम। तो कुल 39 टीमों के बीच महामुकाबला 4 दिनों तक लगातार आज से प्रारंभ होकर 8 मार्च तक चलेगा। आज कुल 7 मैच आयोजित किए गए हैं। प्रत्येक जिला को 28 सीट उपलब्ध करा दिया गया है। जिस जिला को 28 सीट के अनुसार जिस दिन मैच होंगे उस तिथि को वो जिला रिपोर्ट करेगा। इस प्रतियोगिता में लगभग 50 खिलाड़ियों का जो बेहतरीन खिलाड़ी है उनका चयन किया जाएगा। उसके लिए चयनकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं और उसको आने वाले दिनों में उनको बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रतियोगिता के माध्यम से राजस्तरीय प्रतियोगिता जो आयोजित हो रहा है, उसके बाद राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मुजफ्फरपुर जो आयोजित प्रतियोगिता से एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बिहार टीम का गठन किया जाएगा, जो नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेगा। इस प्रतियोगिता में आने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार की ओर से 250 रुपया प्रतिदिन की दर से भोजन भत्ता की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उनको आने में जो भी यात्रा खर्च हुआ है यात्रा भत्ता के रूप में उनको उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार सरकार के द्वारा कुल 9 रेफरी प्रतिनियुक्त हैं जो इस मैच को निष्पक्ष संपादित कराएंगे। मैं जयनारायण कुमार, जिला खेल पदाधिकारी मुजफ्फरपुर। जो प्रतियोगिता यहाँ पर हो रही है इसके लिए सभी, सबसे पहले तो बिहार सरकार जिन्होंने ये प्रतियोगिता का आयोजन करवाया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। क्योंकि कोरोना काल से विगत 2 वर्षों से कोई खेल प्रतियोगिता नहीं हो रही थी, जिसके कारण बच्चे भी घर में बैठे बैठे दुखी हो रहे थे। अब ये है कि अब यहाँ पर प्रतियोगिता शुरू हुई है, जैसे कबड्डी का खेल का सभी क्षेत्र में आज जैसे यहाँ पर फुटबॉल का आयोजन किया जा रहा है, तो इसमें जिले सभी राज्य के सभी जिले से खिलाड़ी आए हैं और बहुत अच्छा यहाँ प्रतियोगिता होने वाला है। ये सब आप लोग आनंद लीजिए इसका। देखिए, मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने पूरे बिहार का जितने भी 14 साल से कम एज के बच्चे हैं और स्कूली छात्र हैं सरकारी के, उसका एक आयोजन कराया है। ये बहुत अच्छा पहल है, इससे जो खेल का बढ़ावा मिलेगा। और जैसा आप जानते हैं कि आज के दौर में जहां लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है पढ़ाई का भी बच्चों पर, तो एक तरह से समझिए कि मानसिक प्रेशर को रिलीज करने के लिए खेल का मतलब बच्चे में खेल की भावना होना बहुत जरूरी। 2 साल से खेल बंद था कोरोना के कारण, फिर से इसकी शुरुआत हुई है। देखिए, बिना सरकारी पहल के बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। प्राइवेट लोग धीरे धीरे बहुत पीछे हट गए हैं, सरकार को अब इसमें आगे आ रहा है। माननीय नीतीश जी का बहुत आभार है, ये पूरे बिहार में इस तरह से हर खेल, ये फुटबॉल ही नहीं, क्रिकेट, कबड्डी, बैडमिंटन, जितना खेल है सबका आयोजन जो है राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय होना चाहिए।